हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होके जाता है, वहाँ तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कहीं से पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आँख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नज़र ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का में ये सब क्या क्या आता है तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता हुआ रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबाइल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब। बाकी हिंदी में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे लोग, अखर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुत पटाखा बचाए लेके जा सकता है यहाँ पर। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा उसे जरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा, हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाँफेगी, सांस लेगी, हाँ जी। मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है किसके कारण, ससंजक बल के कारण। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है, ये धुकधुकुआ मशीन, हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था मिग 21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे धुक 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 कुछ।